अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां युवक ने उसके दोस्त के साथ मिलकर चाचा और चचेरे भाई बहनों पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार के बाद उसके भाई बहन चीखते रह गए। बेटा और बेटियों को बचाने में पिता भी हमलावरों से भिड़ गए, जिसमें वो भी जख्मी हो गए। घटना ग्वालियर में विंडसर हिल में रविवार सुबह करीब 4 बजे की है। रविंद्र कुमार वर्मा रायरू में स्टेशन मास्टर हैं। उसका भतीजा अपने दोस्त के साथ उनके फ्लैट पर आया था। आधी रात उसने अपने चचेरे भाई बहनों पर हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर पिता कमरे में पहुंचे, बेटा और बेटियों की हालत देखकर उन्हें बचाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने उनको भी चाकू मार दिया। इसके बाद वे भी हमलावरों से भिड़ गए। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। हमले में आरोपियों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सिरोल थाना प्रभारी गजेंद्र धाकड़ ने बताया कि भतीजे ने दोस्त के साथ चाचा के परिवार पर हमला किया था, जिसमें आरोपी व पीड़ित परिवार घायल हुआ है। घायलों को उपचार के लिए भेजकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी सोनू ने बताया कि 1 माह पहले वह अपनी पत्नी को डिलीवरी कराने के लिए लाया था। इस दौरान रोहित ने उसे परेशान किया था, इससे वह नाराज था और हमला किया है। तो हमारा भतीजा है, उसका मित्र हमारी छोटी बेटी पे हमला कर रहा था, वो नीचे पड़ी हुई थी। और दूसरा जो है हमारी बड़ी बेटी और उसको हमारे बेटे को मारपीट कर रहा था। सो के उठे, मतलब ये हल्ला हुआ तो हम उठे तो देखे कि लड़ाई हो रही है, तो बचाने गए तो ये मतलब। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।